नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दस्तक में आप लोगों का स्वागत है। और दिल्ली दस्तक आपको दिल्ली एनसीआर की खबरों के अलावा उत्तराखंड की खबरों से भी अवगत कराती है। और आज हम कोटद्वार की बात करेंगे, कोटद्वार विधानसभा की बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए महेंद्रपाल सिंह रावत जी हैं, जो कि पूर्व फौजी हैं, पूर्व सैनिक हैं और साथ ही साथ अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर मुखर रूप से काम करते हैं। और जिस प्रकार से ट्रेचिंग ग्राउंड हमारे कोटद्वार की एक गंभीर समस्या है और जिसके कारण आने वाले समय में महामारी भी फैलने का खतरा लगातार बना हुआ, कई जगह इस ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या को उठाया गया है, लेकिन अभी तक किसी के भी कानों में जू नहीं रहेंगी। सबसे पहले इसी समस्या पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे साथ। और बताइए कि जिस प्रकार से ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए आपकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हो आप, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या यहाँ की सरकारें काम कर रही हैं, क्या लगता है आपको? और जिस प्रकार एनजीटी में भी ये मुद्दा गया हुआ है और आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम मैं दिल्ली दस्तक का आभारी हूँ कि वो आज कोटद्वार में आए और उनके द्वारा कोटद्वार में व्याप्त समस्याओं के विषय में पर चर्चाएं जोरों पर हैं। इसी क्रम में आज आप मेरे पास यहाँ पे आए। जैसे कि आपको मालूम है कि वर्तमान में कोटद्वार के हृदय स्थल यानी गाड़ीघाट, मुक्तिधाम और राज के स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास नगर निगम कोटद्वार के द्वारा नगरीय क्षेत्र के जैविक और अजैविक कूड़े का निस्तारण अवैधानिक तरीके से किया जा रहा है, जिसका विरोध सन 2010 से मैं लगातार करता आ रहा हूं। और विभिन्न चैनलों के माध्यम से, प्रपत्रों के माध्यम से मैंने शासन प्रशासन को इससे अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है, जिसका मुझे खेद है। और इस संदर्भ में जैसे कि आप जानते हो कि आजकल बरसात का मौसम है और जिस प्रकार के पहाड़ यहाँ पे कूड़े के बन चुके हैं, लगता है कि महामारी का आह्वान राज्य सरकार कर रही है, जिसके माध्यम से सभी बीमार होंगे यहाँ पे, मेरा ऐसा सोचना है। और यहाँ पे उठने वाली जो दुर्गंध और हवाएं हैं, उससे पूरा क्षेत्र पर्यावरण से खराब हो चुका है। सर, जिस प्रकार से कोटद्वार विधानसभा की बात की जाए, तो अभी एक प्रेस वार्ता चल रही थी यहाँ के विधायक हरक सिंह रावत जी के द्वारा, और 3.5 साल के कार्य उन्होंने अपने गिनाए हैं। और साथ ही साथ पूर्व जो मंत्री हैं सुरेंद्र सिंह नेगी, लगातार बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं और चुनाव 2022 की शायद ये तैयारियाँ हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। जो सरकार है वो अपने कामों को गिना रही है और जो पूर्व सरकार है वो उनके बता रही है कि किस प्रकार की कमियाँ हैं कामों में। और एक और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी भी कभी उदय यहां पर हो चुका है और सुनने में आया है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के चुनाव में 70 सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी, तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में किस प्रकार की आप प्रतियोगिता देखते हैं, क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी यहां एस्टेब्लिश हो पाएगी? जैसे कि आपको विदित है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ और इसका गठन यहां की विषमताओं, यहां की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से किया गया था, लेकिन आज 18 साल होने के उपरांत भी यहाँ की स्थितियाँ लगभग वही हैं। और न यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ है, न स्वास्थ्य सुविधाएँ सुधार हुआ है, ना यहाँ पे रोजगार के सृजन की कोई व्यवस्था बनी है। इसके अलावा यहाँ पर पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसका कि आज तक कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसको छू नहीं पाई है। और मैं समझता हूं कि अगर राजनीति में एक विकल्प आता है तो वो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्वहन करता है, और अगर आम आदमी पार्टी आती है तो इसमें कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है, क्योंकि लोग अल्टीमेटली वोट जनता को देना है, जनता के लिए, जनता समझदार है। लेकिन अगर किसी पार्टी का अगर कोई किसी क्षेत्र में अगर गठन होता है तो उसके लिए एक संगठन का होना भी एक बहुत नितांत आवश्यक एक उसकी मूल इकाई है, और उसका नेतृत्व तो कैसा होगा, वो क्या करेगा, उसकी विचारधाराएं क्या होगी, ये उस पर निर्भर करती है। तो जिस प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्रपाल सिंह रावत जी ने कहा है कि कोई भी पार्टी यहाँ पर आती है उसका स्वागत है, लेकिन साथ ही साथ उसके संगठन को भी देखा जाएगा कि उसका संगठन किस प्रकार का, उनके कार्य, उनकी रूपरेखा देखी जाएगी और आगे भविष्य में उनकी क्या कार्य योजना है, उनको भी आधार बनाकर वोट किया जाएगा। और देखिए कि एक बार पुनः मैं आपको दिखा दूँ, ट्रेचिंग ग्राउंड की जो समस्या है उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से है। और ये जो ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या है, ये बहुत भयावह समस्या है। और इस ट्रेचिंग ग्राउंड के अगल बगल आपको मैं बता
बता दूं कि इतनी बस्ती है, इतने लोग निवास करते हैं, इतनी लोगों की समस्या और इससे महामारी फैलने का खतरा है। एक स्टेडियम स्ट्रेचिंग ग्राउंड के सामने है जहाँ पर बच्चों ने क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, हॉकी और कई चीज़ें वहाँ पर उन बच्चे वहाँ पर खेलते हैं। और आप जानते हैं कि इस पर जो बच्चे वहाँ पर स्टेडियम में खेलेंगे तो वो देश का भविष्य होंगे और देश का भविष्य ऐसा होगा कि स्ट्रेचिंग ग्राउंड वहीं पर है और उसकी जो गंदगी है, जो उसकी जो बदबू है, वो पूरे दिन भर रहती है। इस समय बरसात का समय है, सड़ांग वहाँ से बिल्कुल चलती रहती है और कोई भी सरकार, चाहे वो हमारी बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन विषयों पर नहीं सोचती है। और ऐसे लोगों से मैं भी आपको लगातार मिलाता रहूँगा और ऐसे विषयों को भी लगातार कोटद्वार उत्तराखंड की उठाता रहूँगा। आप सभी से यही कहूँगा कि आप दिल्ली दस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दिल्ली दस्तक आपको दिल्ली NCR के अलावा उत्तराखंड की खबरें भी दिखाता रहेगा। दिल्ली दस्तक के लिए मैं प्रवीण थापा कोटद्वार उत्तराखंड से।